नापाक मंसूबों के लिए भर्ती कर रखा है। पिछले दिनों नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई में जिस नक्सली को जिंदा पकड़ा गया था वो नाबालिग निकला। परिजन परेशान हैं, उन्हें उसके नक्सली होने की भनक तक नहीं थी। उनतीस जनवरी की सुबह खूंची अड़की के तिरला जंगल में पुलिस की PLFI के हार्डकोर नक्सली सब जोनल कमांडर प्रभु सहाय बोधरा के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 5 नक्सलियों को मार गिराया गया। इसमें एक मासूम भी शामिल था जिसे पता नहीं कि वो क्या कर रहा है। नक्सलियों के थमाए गए बंदूक का मुंह पुलिस की तरफ था, लेकिन क्या पता था कि ये उसके जिंदगी और मौत की जंग है। पुलिस ने जिस नक्सली को पकड़ा वो नाबालिग निकला। उसके परिजन हैरान हैं, वो ठीक से बोल भी नहीं पाते। जाहिर है सही गलत की समझ जब तक वो बच्चों को दे पाते नक्सली उठा ले गए। कब आए हो? जेल से कब आए हैं? भूल गए। तो यहाँ पे क्या हुआ था बताओ तो? बाहर से आ रहे थे और यहाँ इधर गांव जा रहे थे और दीपना मिला तो चलो बोल रहे। दीपना कौन है? मुठभेड़ पर परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई पर ही सवाल खड़े किए हैं। परिजनों का कहना है कि स्कूल में पढ़ने वाले मासूम बच्चों को पुलिस ने मार गिराया, जबकि पुलिस कप्तान का कहना है कि हथियार लेकर जंगल में घूमने वाले बच्चे नहीं हो सकते, नक्सली ही हैं। साथ ही उनके नाबालिग होने का प्रमाण पत्र भी फर्जी है। उस तरह के हम लोगों को इस अनुसंधान के क्रम में, जांच के क्रम में, सत्यापन के क्रम में इस बात की भी जानकारी मिली है कि वो लोग वापस आते हैं, पिस्टल लेके आते हैं, गांव में घूमते हैं, सारे लोग उनको देखते हैं, लेकिन हम लोगों के स्तर से, जो इनके अभिभावक हैं या समाज है उसके स्तर से, इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही। बाल नक्सली के खुलासे के बाद शिक्षा विभाग भी हरकत में आ गया है। अब बच्चों को नैतिक ज्ञान दे रहा है शिक्षा विभाग। हालांकि SP ने नक्सलियों के साथ मासूम बच्चे के होने से इनकार किया है। नक्सली बाल दस्तों की तैयारी कर रहे हैं, उसका रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, इसकी जानकारी हम लोगों को कुछ दिनों पूर्व मिली थी, लेकिन इसमें कितने लोग शामिल हैं, कहां से शामिल हैं, इसकी जानकारी किसी को भी पुष्ट नहीं। अब हकीकत क्या है ये जांच की मांग करता है, लेकिन नक्सलियों की तरफ से मासूम बच्चों को अपने खेमे में शामिल करने की खबरें आती रही हैं। धमकी और जोर जबरदस्ती भी नक्सलियों की चलती रही है। ऐसे में सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर चौकसी भी जरूरी है। सोनू अंसारी, जेमेजिया, खूंची।